हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन पोर्टल के बारे में। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल पोर्टल की आवश्यकता होता है जिससे आपको रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं या फ्लाइट बुक कर सकते हैं, तो इसमें कई सारे आपको पोर्टल लेने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे पोर्टल के बारे में बात करूँगा जो आपको सारे मल्टी होगा, सारा उसी पोर्टल से आप काम कर सकते हैं। रेलवे टिकट बुक करना चाह रहे हैं, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, रिचार्ज। तो दोस्तों, इस पोर्टल को आपको परचेज करने के लिए कई सारे प्रोसेस मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा ये बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका लोगो, दोस्तों आप नाम भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट पे है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे साइन अप पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको सारा डिटेल यहाँ पे फिल, आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। साइन अप करने के बाद वहाँ पे जो भी आपको मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड मिल जाएगा, पासवर्ड वहाँ पे डालना है जो आपको मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको आधार कार्ड से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, चलो मैं फटाफट ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देख साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आपको क्लिक कीजिएगा, आपको मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर चुका था, इसलिए मेरे मोबाइल पे ओटीपी नहीं आया है। इसलिए दोस्तों, ओटीपी आप जैसे ही फिल कीजिएगा, आपको इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर डेस्कटॉप पर यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसे यूज कैसे करना है मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होम पेज ओपन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है रिचार्ज पे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं, डाटा का रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज में तो सारे कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी कंपनी आप रिचार्ज करना चाह रहे हैं बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। डीटीएच की बात करें दोस्तों, डीटीएच में भी सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारे कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद डाटा कार्ड में भी देख लीजिए, इस तरह से सेम प्रोसेस है। जो भी डाटा कार्ड आप यूज़ करना चाह रहे हैं बिल्कुल आसानी से यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बिल पेमेंट की बात करते हैं दोस्तों। तो पोस्टपेड जो होता है, मोबाइल का पोस्टपेड बिल यहाँ से पे कर सकते हैं। लैंडलाइन बिल हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स बिल में भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिक बिल पे करने के लिए। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं वाटर बिल भी पे कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे ये जो कंपनी है काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मल्टी। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं रिमीटर है जैसे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें यह है, आप यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी बेस्ट पोर्टल है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या होता है, आपको पहले मोबाइल रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ से आप जैसे भी आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे कई सारे करके रख रखा हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कई सारे यहाँ पे मैंने ऐड करके रख रखा हूँ। दोस्तों, यहाँ से इसी वेबसाइट में मनी ट्रांसफ़र करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे डोमेस्टिक हो गया, नेपाल हो गया, दो भी हो, आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे दोस्तों, होम पेज पर आता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, जो भी प्रोसेस है काफ़ी दोस्तों, और इसके बाद जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसे यदि आप हम चेक करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको बता दूँगी, यदि किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम आता है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, प्रॉब्लम के उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। और दोस्तों, मान लो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यदि भूल गए हैं, यदि फॉरगेट करना चाह रहे तो आसानी से फॉरगेट यहाँ पे कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, फॉरगेट का भी ऑप्शन, बिल्कुल आसानी से मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद फॉरगेट पे क्लिक कीजिएगा, मोबाइल पे ओटीपी आएगा। इसके बाद ओटीपी सबमिट करने के बाद न्यू पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पोर्टल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे कंपनी, हम इतना बता नहीं सकते, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप इसे लेना चाह रहे, इस पोर्टल को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर भी आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ घंटी का आइकन दबाना ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप